इसके संबंधित है और कुछ पॉलिसी मैटर में भी राज्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। समय कम है इसलिए काफी लोगों को रोकना पड़ा है, मगर आपने ऑन रिकॉर्ड जो आपका स्टेटमेंट यहां पर रखा है उसको मेरा विभाग बिंदुवार इसका अध्ययन कर राज्यों को रिस्पॉन्स भी देगा और इस पर आने वाले समय में क्या क्या कार्यवाही हो सकती है इस पर हम चिंता करेंगे। विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं। और एक बार फिर से बिपोर जॉय तूफान के बारे में आपको बता दें कि द्वारका में बिपोर जॉय तूफान का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। वहां तेज बारिश शुरू हो चुकी है और हवाएं भी तेज रफ्तार से चल रही हैं। तो द्वारका के इस वक्त हम अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। आ रहा है इसीलिए यहां पर गुजरात के कई ऐसे इलाके माना जा रहे हैं कि 8 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट दिया गया है। साथ में ही हम जहाँ पर खड़े है वो द्वारका नगरी है, जो द्वारकाधीश सबसे विश्व में सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ का हम आपको ये दृश्य दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है। उनका जो चक्रवात है उससे पहले की ये समुद्र में जो करंट है वो ज़्यादा दिख रहा है, साथ में ही जो पवन की गति है तेज दिख रही है और बारिश कल से ही बारिश गुजरात के कई इलाकों में से बारिश हो रही है। तो साथ में ही यहाँ पर माना जा रहा है जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक बुलाई थी और हर संभव कोशिश मदद के लिए उन्होंने भी कहा है केंद्र सरकार ने भी। लेकिन साथ में ये आप दृश्य दिख सकते हैं कि गुजरात के जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ से 8 से भी ज़्यादा जिला जो प्रभावित होने वाले उस पर सबकी नज़र रखी हुई है। हमने आपको द्वारका से दिखाई जहां चुनौती ज्यादा है। तूफान के बीच कोस्ट गार्ड की टीम लगातार मोर्चा इस वक्त संभाले हुए है। भारतीय कोस्ट गार्ड का शिप शूर समंदर के बीच तैनात है और उससे कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो ये दिखाती है कि तूफान कितना भयावह कितना खतरनाक होते जा रहे। ये इस वक्त हम आपको उसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। समंदर में सेना का जहाज शूर इस वक्त तैनात किया जा चुका है ताकि किसी भी ऐसी स्थिति से निपटा जा सके और इसके लिए यहाँ समंदर के बीच में इस जहाज की तैनाती की गई है, जिसकी तस्वीर दरअसल हेलीकॉप्टर की मदद से ली गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। सामना हम कर पाए उस कठिन समय में हर मोर्चे पर केंद्र और राज्य और जनता तीनों ने मिलकर एक लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है इसका उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा है। 220 करोड़ से ज्यादा टीका लगाना, करोड़ों गरीबों के भूख को ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, लाखों की संख्या में मजदूरों को अपने गृह राज्य में वापस पहुंचाना और डीबीटी के माध्यम से कोई घर में चिंता न रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर पाए हैं, हम सबके लिए संतुष्टि का विषय है। जैसे मेरी ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने बताया था, कुछ साल पहले हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्र और रिएक्शनरी था। हम केवल रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की ही चिंता करते थे। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय हम सब ने सामूहिक रूप से सामूहिक मेहनत
और सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। आपदा मित्र योजना, कई सारे आपके सुझाव मिले हैं, मगर ये अपेक्षा भी ठीक नहीं कि सारा कुछ केंद्र ही कर देगा, मगर इस पर हम जरूर कुछ सोच पाएंगे तो सोचेंगे। परंतु 350 बहु जोखिम आपदा संभवित जिलों में लगभग 1,00,000 युवा वॉलंटियर को तैयार करने का हमने जो लक्ष्य रखा है, इससे कई सारे आपदाओं की घटनाओं में हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इसका जो एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है वो बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक है। हमने एक नई पद्धति भी चालू की है, आईएमसीटी की टीम जो भेजना है, पहले राज्यों के ज्ञापन की प्रतीक्षा कर ज्ञापन आने के बाद भेजते थे, हमने प्रोएक्टिव तरीके से पिछले 4 वर्षों में 10 ही दिनों के अंदर 73 बार आईएमसीटी की टीमें भेजकर केंद्र ने प्रोएक्टिव तरीके से राज्यों को मदद करने के लिए कदम उठाए हैं। और इसके कारण 2005-06 से लेकर 2013-14 तक 9 वर्षों में और 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 9 वर्षों की तुलना में एसडीआरएफ, पहले जो 35,858 करोड़ रुपया बांटा गया था, इसकी जगह 3 गुना बढ़ोतरी लगभग 1,04,704 करोड़ हुआ है। और एनडीआरएफ से जो पैसा जारी किया गया 25,000 करोड़ की तुलना में 77,000, उसमें भी करीब करीब 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि प्रोएक्टिव अप्रोच से और बजेटरी प्रोविजन आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण और बाद में रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, इस सभी क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए जो बजेटरी प्रोविजन केंद्र ने और राज्यों ने बढ़ाया है, इसी का ये परिणाम है। 21 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया, लगभग 16,700 करोड़ रुपया एसडीएमएफ के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत, और एसडीएमएफ के अंतर्गत 32,031 करोड़ रुपया समन के लिए हमने जो किया है, उसका भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फायदा ये लड़ाई लड़ने में हमें होने वाला है। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, इसकी राष्ट्रव्यापी सूची बनी है, लगभग 1,00,000 नए रिकॉर्ड्स जनरेट किए गए हैं। नागपुर में एनडीआरएफ की एकेडमी की आधारशिला रखी गई है, लगभग काम समाप्ति के आरे पर है। 354 करोड़ से कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल्स को एसएमएस के जरिए से लागू करने का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल, 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम और 241 विश्वविद्यालयों के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना, ये हमारे बहुत उपयोगी और बहुआयामी इनिशिएटिव है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति और संस्था दोनों को पुरस्कृत करने की परंपरा सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तापित की है। इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों में और व्यक्तियों में दोनों में
उत्साहवर्धन हुआ है। अभी कमल जी ने 10 ऐप और साइट्स का आप लोगों को डिटेल दिया है, जिसके बारे में मौसम का पूर्वानुमान, बिजली गिरने की संभावनाएं, भारी बारिश, कई प्रकार की चेतावनियां समय रहते हमें मिलती हैं, जो हमें लोगों की जान बचाने में और पशुधन बचाने में भी बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अलग अलग 32 गाइडलाइंस बनाकर यहां से आपके पास भेजा गया है। देश में बाढ़ से बचने के लिए इसरो द्वारा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 271 वेटलैंड की पहचान की गई है। आईएमडी द्वारा वर्षा की संभावना और इसके आधार पर होने वाले बाढ़ की सूचना पहले 3 दिन पहले भेजी जाती थी, अब 5 दिन पहले भेजी जाती है, जिससे बचाव के लिए काफी समय मिले। और इस साल ही बाढ़ के पर चर्चा करने के लिए जो मीटिंग हुई, इसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको 7 दिन पहले पहुंचने के लिए अगले साल तक हम कदम उठाएंगे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 प्रमुख नदियां जहां से बाढ़ निर्मित होती है उसके किनारे पौधे लगाकर बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। मैं आप सभी का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा कि देश के जिन जिन राज्यों में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बन रहे हैं, वहां एनडीएमए द्वारा 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट का दौरा किया गया है और किसी भी आपात स्थिति में लोगों को बचाव हेतु एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल राज्यों को भेजे गए हैं। मेरे सभी मंत्रीगणों से करबद्ध निवेदन है कि आप इसको अपनी प्रायोरिटी बनाएं और न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव होने के पहले ही, उससे बीज उत्पादन शुरू होने के पहले ही, हमारे यहां डिजास्टर को लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है वो हम सब कर ले, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। गर्म मौसम की स्थिति के लिए लगभग 23 राज्यों में कार्यशाला आयोजित की गई है, इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। एक कुछ राज्यों के द्वारा किसानों के मुआवजे के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, इसको निश्चित रूप से हम गंभीरता के साथ देखेंगे भी, मगर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि राज्यों ने भी अपने यहां बजटरी प्रूफ